एक्टर को यहाँ से जाइए। ये सिपाही बार बार हमें एक्टर एक्टर क्या कहता है, क्या होता है एक्टर? देखा बीबी, अभी भी कैरेक्टर में घुसा हुआ है। छोड़िए इन्हें, आप हमारे साथ हमारे घर में चलिए, रास्ते में बताएंगे कौन एक्टर है। राजकुमारी, हम बस कुछ ही देर में आपके सामने उपस्थित हूँ। क्या होंगे? उपस्थित। हाँ, वो बाकी का मैं समझा दूंगा। चलो चलते बनो, चलो निकलो। सिपाही तो ना, राजकुमार कैनो, आइए ना जिलापी। सच में ये चोतू जी तो लालचियों के सरदार है। चलो एक चीज अच्छी हुई, राजभो को तो अपने साथ लेके गए। अब मुझे इस राजभो को 16वीं शताब्दी में वापस भेजना होगा, वरना मेरे जूजू नाराज हो जाएंगे। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अरे क्यों? मैंने क्या किया? क्या नहीं किया ये पूछो। क्या जरूरत थी मुझे उससे लड़वाने की? हाँ, वो भी तलवारबाजी। कम ऑन, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। स्वीटी पाई, तुम्हें कैसे कुछ हो जाता? वो थोड़ी कोई असली का तलवारबाज था, वो तो एक्टर था, और एक्टर से लड़ाई करने में कौन सी बड़ी बात है? वरना मैं ऐसे थोड़ी करती। तुमने क्या मुझे इतना डम्बू समझ रखा है? मुझे तो ये भी पता है कि युगांडा की राजधानी कहाँ है। कहाँ है? युगांडा में। डम्बो? ए, मेरे जूजू डम्बो नहीं है, तू डम्बो है, वो भी बहुत बड़ी डम्बो। अच्छा अच्छा, सुनो मैं अब बहुत थक चुका हूँ, मुझसे और कुछ बनाया नहीं जाएगा। कोई बात नहीं स्वीटी पाई, हम एक अच्छे से रेस्टोरेंट जाके अच्छा से डिनर करते हैं। सच बताओ, तुम यही चाहते थे ना? हाँ, हाँ, एक्चुअली तो मैं यही चाहता था। एक काम करते बेबी, तुम यहीं बैठो, मैं अभी ऊपर फ्रेश होकर आता हूँ। ओके। अरे वहाँ तो किचन है, वहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ किचन है। हाँ किचन है, किचन में तो जा रहा था बेबी। क्या है कि घर से जाने से पहले ना, हर समझदार इंसान को किचन जाके ये चेक कर लेना चाहिए कि उसने गैस ऑफ कर लिया है, स्विच ऑफ कर लिया है, यू नो, सेफ्टी फर्स्ट। कितना इंटेलिजेंट है मेरा स्वीटी पाई, जाओ चेक कर लो। या बेबी। जीजू मुझसे मिलने आ रहे। चीनी, वाह, बढ़ गई कलेजे में ठंडक। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, समझी? मैं बेबी के साथ बाहर डिनर पर जा रहा हूँ, और खबरदार जो तुम मेरे पीछे आई तो, ओके? अब क्या है? जूजू, शर्म के बारे में तो लाल हो रही हूँ। What? तुमसे तो बात करना देखा नहीं। जाते जाते इतना बता दो कि इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? वो आपने मुझे टाटा तो ये कि आप मुझ पे अपना हक समझते हो, इसलिए तो मुझे डाटा। अब अपने स्वीटी पाई को कभी नहीं डाटा, क्योंकि आप उसे अपना समझते ही नहीं हो। अले तो डाहक एथेरक। लगता है जीजू शर्मा गए। अब जाके उस राजभोग का कुछ करती हूँ। राजभोग दादा, आप आलम से तो है ना? इधर छोटी है पर अच्छी है तुम्हारी हवेली। हवेली? ना ना दादा, हवेली ना, छोटा मोटा फ्लैट है, किंतु आप हवेली समझिए, और खाना खाइए अच्छे से। हैं, ये फुगी कितना सुंदर है, अगर आपको पसंद आए तो बाद में गिफ्ट दे देना। आई लव एक्सपेक्टिंग गिफ्ट। की असली है क्या? तार सोना आर हम क्या करता है? तुम भी असली है सोना, किंतु तुम हमको पितल समझता। ओ मैं नहीं, बाहर से तुम कैसे भी लागो, भीतर से हमारे सबसे अच्छे चतुर है। एक तो बात बोलो। है? एक कौन है? इधर से आए हैं, ये हमको सोना क्यों दे रहे हैं? हाँ तू खा, तुम आम खाओ ना मेरी गुलाटी क्यों गिनता है? गुलाटी? अरे आम का सीड। गुटली गुलाटी। किंतु एक तो बात बोलो, क्यों ये भी पैसों की तरह गायब तो नहीं हो जाएंगे ना?
हाँ, ये गायब होने वाला चीज नहीं है। अरे ये तो राजभोग दिया है ना, ये गायब होंगे ना हम ओ को गायब होने देंगे। चौतू जी, इस राजभोग को तो गायब होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने जूजू से वादा किया और जो वादा किया उसे निभाना तो पड़ेगा। देख रही हो, सोने की अंडा देने वाला मुर्गी है। मुर्गी नहीं, मुर्गा। मुर्गा अंडा देता है। बाय राजभोग। क्या हो रहा है? आखिर मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? चक्कर क्या है? मुझे लॉर्ड जूजू के वापस आने का समय हो गया है, पता नहीं क्या होगा। जीनी क्या सोच के बैठी थी, जब जूजू को पता चलेगा कि तू राजभोग को भगा नहीं पाई है तो वो खुश होंगे, सब बासी देंगे। अरे जीनी होके खाली हाथ तू वापस आ गई, बहुत नाइंसाफी की बात है ये। पता नहीं क्या होगा, जब जूजू को पता चलेगा कि राजभोग अभी भी चौतुर बाबू के घर में, वो तो मेरा कचुंबर बना देंगे। जूजू आ गए। जीनी, जूजू नहीं, तेरी शामत आ गई है। आइडिया। पापों का प्रायश्चित। क्या? क्या नहीं किया, आपको परेशान करके मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित कर रही हूँ। क्या पढ़ रही हो? जूजू, ये धार्मिक किताब है, इसमें लिखा है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो हुआ उसमें किसी का दोष नहीं और आगे भी जो होगा उसमें भी किसी का दोष नहीं, तो ऐसे में किसी को दोष देना गलत बात है, क्योंकि जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। सब समझ रहा हूँ मैं। अगर आप समझ ही रहे हो तो आगे भी सुनो कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जो मनुष्य एक साथ दो दो नावों में अपना पैर रखता है उसका डूबना निश्चित है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, अर्थात ये भी हम समझ गए। अगर समझ गए तो प्रिया की नाव से अपना एक पैर उठा के दोनों पैर मेरे नाव में रख दो और चलो शादी करते हैं। आपने तो बहुत ही बढ़िया प्रवचन दे दिया। अब प्रसाद की बारी, वो तो ले लो। छीने हरिओम हरिओम हरिओम। क्षमा करो प्रभु। ये तो नावल है, बेवकूफ बना रही है मुझे। ये जिले बढ़िया जिया, जो सोचे वो किया। अपने देसी बॉय के साथ क्या काम किया राहुल। दीदू, अगर आपको इस फोटो वाले की इतनी याद आ रही है तो मैं उसे यहाँ बना देती हूँ। अब ये थोड़ी ना वापस आ सकता है। जीनू, दीदू, जीनू तू बच्ची, रुक तो। दीदू, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो नया क्या है इसमें? दीदू, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। जीनू, जिन्हें हेल्प की जरूरत होती है ना वो ऐसी हरकतें नहीं करते। दीदू, आपसे सॉरी कहा ना मैंने।
अच्छा ठीक है बोल। दीदू मैंने आपको उस राजभोग के बारे में बताया था ना जिसको मैंने गायब करने की कोशिश की थी। हाँ हाँ हाँ। तो आज सुबह मैं चौतुर बाबू के घर में गई उसे गायब करने के लिए, पर वो तो वहाँ था ही नहीं और चौतुर बाबू भी वहाँ नहीं मिले, तो वो दोनों गए कहाँ? चीनू हाँ? मुझे लगता है कि चतुर जी उस राजभोग को लेकर ऑफिस चले गए। अब तेरा जूजू और मुसीबत में फंसने वाला है। नहीं दीदू मैं हूँ ना, मैं अपने जूजू को कुछ होने नहीं दूंगी। और अगर मेरे जूजू पे कोई मुसीबत आई तो उस मुसीबत के सामने मैं चट्टान बनके खड़ी हो जाऊंगी और उसे कहूंगी कि मेरे जूजू को छूने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ओ मैडम फिल्मी, बातें कम काम ज्यादा, अब जा और अपने जूजू को बचा। हाँ ओके बाय। हाँ बाय। नौटंकी चलो, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, बॉस के केबिन में जाती हूँ। ओके सर, आई मस्ट से आई लाइक दिस नाइस। मुझे तुम्हारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है। सर है, यहाँ भी सब कुछ ठीक है, मतलब चौतुर बाबू और राजभोग अभी तक यहाँ नहीं आए। थैंक यू जिन लॉर्ड। हम प्रसन्न हुए। अच्छा। अति प्रसन्न हुए। बाह बाह। यूं तो हमारा भगोल राज्य सारी दुनिया के ठाट बाट से परिपूर्ण है, पर हमने आज तक ऐसा वाहन नहीं देखा जो बिना घोड़े के बिना हाथी के चल सकता है, और वो भी इतनी तेज गति में। क्या नाम बताया था आपने उस वाहन का? मोटर कार। मोटर कार। हमने कलाकार देखा, शिल्पकार देखा, मूर्तिकार देखा, पर सबसे श्रेष्ठ है ये कार, मोटर कार। वो सब ठीक है, किंतु अब हम राजकुमार दादा उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे राजकुमारी के पिता हैं। यानी के महाराज? हाँ वही वही, किंतु यहाँ महाराज को बॉस कहते हैं। क्या 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 कहते हैं? बॉस। और जैसा आपने ड्रेस पहना हुआ है ना? क्या पहना हुआ है? ड्रेस माने वस्त्र। आपने जैसे वस्त्र पहना हुआ है वैसे यहाँ महाराज बॉस ने शूट पहने हुए हैं, माने शर्ट पैंट, समझे? नहीं समझे। ठीक है, देखेंगे तो समझ ही जाएंगे ना। तो महाराज आपने मेरे को वादा किए थे कि अगर हम आपको राजकुमार के पिताजी से मिला देंगे तो आप हमें हमारा वजन के ही सोने से टाल देंगे। वादा था ठीक तो? हम भगवान राज्य के शूरवीर राजकुमार है। आओ ठीक है, एक बार वादा करके हम कभी पीछे नहीं हटते। ये बहुत अच्छा करते हैं। वैसे मेरा 85 kg महाराज भेंट है। आइए ना महाराज, आइए। लो, गई भैंस पानी में, ट्विस्ट आ गया कहानी में। जिसका डर था वही हुआ, पता नहीं क्या होगा। ओह मिस्टर चतुर, आगे वेलकम। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब जीनी ने इसे वापस भेजा नहीं? ये है इस साम्राज्य के महाराजा प्रताप। महाराजा प्रताप की जय हो, आपके दर्शन पाकर हम अति प्रसन्न हुए। जस्ट अ मिनट, चतुर जी ये क्या नया ड्रामा है और ये कौन है? इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा छे, राजकुमार जी खुद देंगे। लड़की के पिताजी को अच्छा अच्छा बात बताइए ना अपने बारे। महाराज हम हैं भोगल राज्य के शूरवीर राजकुमार राजभोग। बोलो। और हम आपकी सुंदरता से परिपूर्ण पुत्री प्रिया का हाथ आपसे ब्याह करने के लिए मांगने आए। What? और उस विषय हेतु हमने आपके इस तुच्छ प्यादे को युद्ध में भी पराजय दी। अबे ओ नौटंकी, कहाँ का राजकुमार, कहाँ की राजकुमारी, कहाँ का प्यादा? अबे शकल देख, चवन्नी के एक्टर मूंगफली बेचने वाला लग रहा है और अपने आप को राजकुमार कहता है। महाराज हम आपका आदर करते हैं, वरना अभी इस प्यादे का सर कलम कर देते हैं। इतना राजकुमार के नो मने। अच्छा ले ये। विकी जस्ट अ मिनट, कूल कूल प्लीज। पर ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? अरे ये लोगों से ऐसी बातें करनी चाहिए सर। बात क्या करना चाहिए?
चाहिए मैं तो कहता हूँ धक्के मार के बाहर निकालो। दैट्स ओके विकी, लेकिन लेकिन एक्चुअली में ये है कौन और चतुर जी इन्हें यहाँ लाए क्यों है? आई विल एक्सप्लेन सर, आई विल एक्सप्लेन। बेटे लेट मी टॉक टू योर मामा। या सर। सर ये चतुर जी ना, चतुर जी जब से इन्होंने रामलीला डायरेक्ट कर ली ना, ये अपने आप को संजय लीला बंसाली से भी महान समझने लगे। हाँ सर, दिमाग खराब हो गया है, बावले हो गए बावले। मुझसे कहने लगे अपने मोटे बॉस से को, उसने बोला ना कसम, आई रिपीट, उसने कहा अपने मोटे बॉस से कहो कि एयरलाइंस को तो ताला लगने वाला है। हाँ, उससे पहले एयरलाइंस को नाटक कंपनी में तब्दील करो। हाउ डेयर ही, मिस्टर चतुर ने ऐसा करा। ऐसे ही मैंने भी रिएक्ट किया सर, ऐसे। लेकिन आप क्यों हाइपर हो रहे सर? मैं तो ये कहता हूँ सर, आप और प्रिया मीटिंग कंटिन्यू कीजिए, आई टेक केयर ऑफ देम। हां ओके चतुर जी, अगेन प्लीज फॉलो मी। अच्छा महाराज चलिए। ये वो कार्ड है जिसके आगे विजिटिंग कार्ड, राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आई कार्ड, यहाँ तक कि आधार कार्ड भी फेल है। या ये हमारी एंगेजमेंट का कार्ड है। जस्ट हैव अ लुक, सरप्राइज ना। देखो देखो देखो, वेला एंड जिया। कल तुमने मेरे हाथों से खाना खाकर अपने प्यार का इजहार तो कर ही दिया है, तो मैंने तय कर लिया कि अब चट मंगनी होगी और पट प्या। ना ना ना, अब तुम्हारी खुशी चलेगी, इट्स फाइनल, इट्स ओवर। वेला या तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। वेला मुझसे दूर रहो, वरना पागलों का इलाज मुझे बहुत अच्छे से करना आता है। तो करो ना, मेरा तो इलाज ही तुम्हारे पास है, आई स्वेयर। वेला मुझसे दूर रहो, जंगली कहीं के। वेला स्टॉप इट, तुम्हें जंगली बनने का बहुत शौक है ना? बना दो ना। अभी बनाती हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो, परफेक्ट। अब ऐसे जंगली बन के घूमो, ओके? फॉलो मी का मतलब मेरे पीछे आओ। अच्छा अच्छा जिनी, 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 अद्भुत है, ये अद्भुत ही है, अद्भुत जगह है ये। अच्छा। ना हाथी और घोड़े के वाहन चलते हैं, चलते क्या दौड़ते हैं, और इंसान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और कभी भी गायब हो जाते हैं। हाँ इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ से गायब हो जाओ। जीरी फौरन इसे गायब करो। जूजू मैं पूरा मैटर समझ चुकी हूँ, आप देखो इसे कैसे गायब। तुम कुछ मैटर नहीं समझा है, इतना जल्दी क्या है? सुनो देखो, आप उधर देखे अद्भुत पंखा आपने अब ढूंढा है। उधर पंखा कहाँ है, उसको कहाँ पता है? झूठे वो छोड़ो, मैटर ये है कि ए मुझ पे खुश है, बार बार मुझे बख्शिश दे रहा है। अभी तो ए वादा कर दिया है कि मेरे वजन के हिसाब से मुझे सोने में तोल देंगे, अब मेरा वजन ज्यादा कहाँ है, फिर भी 4-5 किलो ज्यादा बोल दिया है। चतुर जी आगे, मैं आपको जितना समझता था ना, आप उनसे क्या ज्यादा लालची निकले। तब तो ठीक है। जीरी देख क्या रही हो, गायब करो इस आदि मानव को। आदि मानव नहीं राजकुमार, आदि मानव, आदि मानव नहीं राजकुमार, आदि मानव, राजकुमार, आदि मानव, राजकुमार। अरे गायब करो ना इस आदि मानव को। राजकुमार आदि मानव जो भी है गायब हो जाओ। ये कौन है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.